मिडिल ईस्ट में यमन का हूती अमेरिका और इसराइल के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। हूती ने लाल सागर में इंटरनेशनल शिपिंग कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। अमेरिका, इसराइल या किसी अन्य पश्चिमी देश का जहाज यहां से जैसे ही गुजरता है, हूती उस पर तुरंत मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट फायर कर देता है। और तो और, हूती ने हाल ही में अपने इजाफा ड्रोन को तेल अविव के काफी भीतर तक भेजकर एक बड़ा ब्लास्ट कर दिया था, जिससे इसराइल को अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगा था। और ये बात भी साफ हो गई थी कि हूती अब इसराइल के भीतर तक हमला करने में सक्षम है। लेकिन इस हमले में इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी चूक सामने आई थी। वो ये थी कि इसराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। दरअसल हूती इसराइल और अमेरिका के खिलाफ सस्ते ड्रोन या कॉपी की गई टेक्नोलॉजी से बनाए गए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं अमेरिकी सेना पिछले करीब एक साल से लाल सागर और अरब सागर में हूती के हमलों से बचने के लिए बेहद ही महंगे और कम एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। अमेरिका ने लाल सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई जहाज और एयर विंग तैनात किए हैं, जिनसे एक दिन में फायर किए जाने वाला गोला बारूद करोड़ों डॉलर का है और अब तक ये खर्च $1 अरब को पार कर चुका है। कार्लोस डेल टोरो का कहना है कि अगर हम $50,000 के एक तरफा ड्रोन को $30,00,000 की मिसाइल से मार रहे हैं, तो ये लागत के हिसाब से अच्छा समीकरण नहीं है। सेक्रेटरी कार्लोस ने सवाल उठाया कि ऐसे हालातों में सबसे बड़ी मिलिट्री और अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स सस्ते हथियारों को क्यों नहीं बना सकते। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का मानना है कि वो एक ड्रोन को गिराने के लिए SM-2S, SM-6S और SM-3 मिसाइलें इस्तेमाल कर रही है, जिनकी कीमत $20,00,000 से लेकर $2,79,00,000 तक है। और जुलाई 2024 में अमेरिका के आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने लाल सागर में हूती के ड्रोन्स और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए करीब 155 SM मिसाइलें और 135 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें फायर की हैं, जिनकी कीमत प्रति यूनिट $20,00,000 तक है। और अक्टूबर 2023 से लेकर जून 2024 तक इस युद्धपोत ने करीब $0.5 अरब की मिसाइलें फायर कर दी हैं। इसके अलावा इसके पास मौजूद एयरक्राफ्ट्स ने 420 हवा से जमीन पर वार करने और 60 हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें फायर की हैं। वहीं USS ड्वाइट डी आइजनहावर के कमांडर का कहना है कि उन्होंने AGM-114 हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें, जिनकी प्रति यूनिट कीमत करीब $1,50,000 है, और AIM-120 हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइलें फायर की हैं। वहीं दूसरी तरफ यमन का हूती अमेरिकी सेना पर इराक और सीरिया के रास्ते और एक तरफा आत्मघाती ड्रोन से हमले कर रहा है। अप्रैल 2024 में ईरान और उसके सहयोगियों ने इसराइल की तरफ 300 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, और इनमें से अधिकतर हथियारों को अमेरिकी एयरफोर्स ने इसराइल पहुंचने से पहले ही मार गिराया था। और अमेरिकी सेना ने इन्हें गिराने के लिए पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जो बेहद ही महंगी हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में जब रूस ने ईरान के सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, तब जाकर अमेरिका को ये एहसास हुआ कि वो युद्ध में टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी भी पारंपरिक हथियारों पर ज्यादा जोर दे रहा है, जबकि उसके प्रतिद्वंदी सस्ती ड्रोन टेक्नोलॉजी से उसके करोड़ों डॉलर के हथियारों को नष्ट कर रहे हैं।